खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेष राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और अपने धन और कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। इस दिन एक विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, दुश्मनी ना हो जाए किसी से, कहीं ऐसा ना हो मित्रता शत्रुता में परिणत हो जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बाकी एक छोटा सा उपाय इस दिन जरूर कर लें, इस दिन दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान कीजिएगा और इस दिन लाल रंग का धागा दाहिनी कलाई में अवश्य पहन लीजिएगा, फिर काम पर जुट जाइएगा, प्रवृत्ति करेंगे। वृषभ राशि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन कमजोर है, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन आपको इरिटेशंस बहुत रहेंगी और इसकी वजह से कुछ समस्या आप महसूस कर सकते हैं, एक छोटी सी सावधानी इस दिन जरूर बरतें। इस दिन मन को बहुत शांत रखें और सोच समझ कर कोई बात कहे अथवा सोच समझ कर कहीं हस्ताक्षर करें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, दूध से बनी हुई चीजों का दान 8 वर्ष से छोटी कन्या को अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि ये दिन आपके लिए अच्छा है, समय लगेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, हो सकता है धन भी आपका ज्यादा खर्च हो लेकिन कार्य बन जाएगा। एक छोटी सी सावधानी जरूर बरतें, खासतौर से विद्यार्थी इस दिन रिश्तों में मत उलझना। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप 5 सब्जियों का दान, कोई भी सब्जी हो सकती है, वह अवश्य कर दीजिएगा। कर्क राशि यह दिन बहुत अच्छा है, बड़ा जुनून है आपके अंदर किसी काम को करने का, बस जोश में होश मत खोइएगा। इस दिन एक छोटी सी सावधानी, आपको हो सकता है यात्रा पर जाना पड़े, बस अपनी कमर का पैरों का ख्याल रखें, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम रहती है वो दिन विशेष रूप से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, रोग मुक्त रखने के लिए, पक्षियों को आप जल और दाना जरूर दीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करें। सिंह राशि ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, रिस्क लीजिए, भाग्य पक्ष अच्छा है, जम के मेहनत करिए और कार्य कीजिए, निवेश के लिए भी ये दिन अच्छा है, लेकिन एक सावधानी, विद्यार्थी इस दिन रिश्तों में ना उलझे, परेशानी हो सकती है, दूसरी बात नर्वस ना हो। उपाय क्या करेंगे सूर्य को जल दीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, उसके बाद काम पर निकल जाइए, वो जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि यह दिन थोड़ा संभाल के चलिएगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, केयरफुल रहना होगा, दुर्घटना के योग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक बहुत विशेष सावधानी, कोई आपको बहकाने की या भटकाने की कोशिश कर सकता है, उससे बचें। उपाय क्या करेंगे ओम गणपतये नमः का जप करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करें। तुला राशि ये समय आपके लिए अनुकूल है, मेहनत करें, आगे बढ़ें, प्रभु सब ठीक करेंगे, लेकिन इस दिन मित्र धोखा दे सकते हैं और इस दिन आपका क्रोध या आपके बदले लेने की भावना या आपका बुजुर्गों के प्रति दुर्व्यवहार आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, एक सावधानी, वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर करने के लिए, दूध या दूध से बनी हुई चीजों का दान करें और श्वेत वस्त्र धारण करें। वृश्चिक राशि ध्यान से चलना होगा, दुर्घटना के योग बन रहे हैं, लेकिन फिर भी भाग्य पक्ष ठीक रहने की वजह से कार्य आपका अचानक बन जाएगा, इसलिए कार्य करते रहिएगा, हृदय दिल छोटा मत कीजिएगा। बस एक छोटी सी सावधानी इस दिन किसी को धन उधार ना दे तो अच्छा है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, छोटी बहन के लिए कोई मीठी चीज जरूर दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। धनु राशि यह दिन आपके लिए अच्छा है, मेहनत करें, आगे बढ़ने के अवसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको एक सावधानी जरूर बरतनी होगी, धन किसी को उधार देने से पहले बहुत सोच समझ लें, क्योंकि ये दिन धन वेस्ट दिखा रहा है। एक छोटी सी सावधानी और बरत लीजिएगा, इस दिन दुर्घटना के योग है, इसलिए वाहन ध्यान से चलाएं, सड़क ध्यान से पार करें।
उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे और सब ठीक करेंगे। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, कोई नुकसान हो सकता है आपको। एक छोटी सी सावधानी, इस दिन पशुओं से थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, मीठी रोटी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर दीजिए, और अगर ये किसी कारण से संभव नहीं हो पा रहा तो रोटी और मिठाई किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर खिला दीजिए। कुंभ राशि, समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने के अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। इस दिन भाई बहनों की भी मदद मिलेगी, जिससे आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन आग से थोड़ा बच के रहें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आपको पके हुए भोजन का दान करना है बड़े सेवा भाव से, जितने लोगों को चाहे कर सकते हैं, लाभ होगा। मीन राशि, किस्मत साथ थोड़ा मुश्किल से देगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वैसे कुल मिला के समय ठीक है, बहुत मेहनत कराएगा ये समय आपको। एक सावधानी, बुजुर्ग सीनियर और बॉसेस से कहीं कोई झगड़ा झंझट ना हो, इस बात का ख्याल रखें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, इस दिन को अच्छा करने के लिए, आप गौ माता को पालक जरूर खिला दीजिएगा, पालक या कोई भी हरे पत्ते जरूर खिला दीजिएगा, और वो भी बड़े सेवा भाव से। आपका दिन गौ माता की कृपा से ठीक हो जाए।